अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदवीर सेब। आज हम फर्दर फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे फॉर्म इनपुट्स जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है, जितने भी हमारे पास HTML5 के इनपुट टाइप्स हैं इनको सपोर्ट करता है, जो हमारे पास टेक्स्ट हैं, पासवर्ड है, डेट टाइम या जितनी भी हमारे पास दूसरी फील्ड्स हैं फॉर्म्स की, इन सबको बूटस्ट्रैप जो है वो सपोर्ट करता है। जो हमारे पास स्टाइल है एलिमेंट, ये जो है वो फुलफुली अप्लाई नहीं होंगे अगर हम इनको प्रॉपरली डिक्लेयर्ड नहीं करेंगे। सो फॉर्म कंट्रोल की क्लास ऐड करना इनपुट फील्ड में ये कंपलसरी है। जो इनपुट की फील्ड में भी ऐड करनी है, सेलेक्ट लिस्ट में भी ऐड करनी है और टेक्स्ट एरिया फील्ड में भी ऐड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म कंट्रोल्स की क्लास जो है वो फॉर्म जो हमने अपने क्रिएट किया है उसमें फॉर्म कंट्रोल्स की क्लास ऐड करेंगे। हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल था उसमें हमने ऑलरेडी ही जो हमारे पास इनपुट की फील्ड है उसमें फॉर्म कंट्रोल्स को यूज़ किया हुआ है। जो मेरे पास इनपुट टाइप ईमेल है, टेक्स्ट है, पासवर्ड है या मेरे पास जो दूसरी इसकी फील्ड्स हैं टेक्स्ट एरिया अगर हैं, तो उनमें हम जो क्लास ऐड करेंगे वो फॉर्म कंट्रोल की करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बूटस्ट्रैप में अगर हमने चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं तो उसके लिए फॉर्म में जो डिव हम यूज़ करेंगे उसमें क्लास चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। हमने इसको लास्ट लेक्चर में भी चेक किया था कि अगर हमने चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम जो क्लास यूज़ करेंगे वो चेक बॉक्स ही करेंगे। एंड अगर हम चेक बॉक्स को डिसेबल करना चाह रहे हैं तो उसके साथ हम वो जो क्लास ऐड करेंगे वो डिसेबल्ड की कर देंगे ऐड। सो इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये चेक बॉक्स एक क्रिएट हुआ है रिमेंबर मी, और इसको अगर मैं डिसेबल कर देती हूँ जो मैंने डिव इसकी लगाई है चेक बॉक्स की, इसकी आउटपुट चेक करते हैं। सो मेरे पास ये अब जो फील्ड आ रही है ये डिसेबल आ रही है, जो मेरे पास ये चेक बॉक्स है। फर्दर अगर मैं चेकबॉक्स को इनलाइन करना चाह रही हूँ तो इसके लिए मैं जो क्लास यूज़ करूँगी वो मैं चेकबॉक्स इनलाइन यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ लेबल क्लास चेकबॉक्स इनलाइन, और इसमें मैंने जो इनपुट टाइप उसकी रखी है वो टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स रखती है, और उसमें जो इसकी डिफरेंट ऑप्शन देती हैं ऑप्शन 1, 2 एंड 3। सेकेंड जो चेकबॉक्स क्रिएट किया उसमें मैंने चेकबॉक्स इनलाइन को यूज़ किया, और थर्ड जो मैंने चेकबॉक्स क्रिएट किया उसको भी मैंने चेकबॉक्स इनलाइन यूज़ किया है। अब इसको सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास ये इनलाइन चेक बॉक्सेस क्रिएट हो गए हैं। नेक्स्ट अगर बूटस्ट्रैप में रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं तो इसके लिए हम लोग जो डिव की क्लास यूज़ करेंगे वो डिव क्लास रेडियो यूज़ करेंगे। सो इसमें हम जस्ट उसको डिफाइन कर देंगे रेडियो, और उनके जो इनपुट हमारे पास फील्ड है उसके टाइप जो है वो रेडियो कर देंगे। तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो डिव यूज़ की है उसको मैंने क्लास दे दी है रेडियो, और फर्स्ट लेबल इसमें मैंने दिया है इनपुट टाइप रेडियो, और इसमें मैंने एक नेम रख दिया है जिसको मैंने चेक कह दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेरा रेडियो बटन होगा ये चेक होगा, और इसको मैंने ऑप्शन 1 कह दिया। सेकेंड मैंने डिव यूज़ की है उसको भी मैंने क्लास रेडियो दी है, और इसमें मैंने जो इनपुट टाइप यूज़ की है वो भी रेडियो यूज़ की है, और इसकी मैंने ऑप्शन 2 के दिए। थर्ड वन जो मैंने क्लास यूज़ की है वो रेडियो है, उसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, बट इसमें जो इनपुट टाइप जो है वो मैंने रेडियो फील्ड सिलेक्ट की हुई है। सो इस फील्ड को मैंने डिसेबल कर दिया हुआ है। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। मेरे पास जो ये रेडियो बटन्स क्रिएट हो गए हैं, और मेरे पास थर्ड वाले जो रेडियो ऑप्शन है वो डिसेबल स्टेट में है। सो फर्दर अगर हम इसको नेक्स्ट जो है रेडियो बटन्स को भी इनलाइन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम लोग जो क्लास सिंपली यूज़ करेंगे वो रेडियो इनलाइन की करेंगे, जैसे हम चेक बॉक्सेस के लिए चेक बॉक्स इनलाइन यूज़ कर रहे थे। सो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। जो मेरे लेबल्स हैं इनको मैं कह देती हूँ रेडियो इनलाइन।
मैंने जो तीन रेडियो बटन्स क्रिएट की थी इन तीनों में ये क्लासेस ऐड कर दी। अब इसकी जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ये जो डिव्स हैं ये रिमूव कर देंगे। इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो मेरे पास ये जो रेडियो बटन्स हैं ये इनलाइन क्रिएट हो गए हैं। सो हम रेडियो बटन्स को भी इनलाइन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप।